आज मसीह वंदना में हेलो मसीह वंदना आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम हेलो मसीह वंदना के साथ हाजिर हूँ। आप सबका आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आज जून महीने की 18 तारीख हो गई है। बीते दिनों के मुकाबले दो दिन से हमारे यहाँ थोड़ी बरसात होने के कारण थोड़ा गर्मी से आराम है। हमारी प्रार्थना है कि आपके क्षेत्र में भी बरसात हो जाए और आपको भी थोड़ा आराम मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हेलो मसीह वंदना। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे शैतान लोगों को भ्रम में डालकर परमेश्वर से दूर रखने का हथकंडा अपनाता है। दरअसल शैतान तो अपनी जगह कार्य करता है, परंतु हमें भी अपना ध्यान रखना है। जब कोई इंसान गलती करता है उसके पीछे शैतान का कितना और स्वयं का कितना हाथ होता है, आज हम इसी बात पर विचार करेंगे। तो पहले सुनते हैं ये गीत, अरुण प्रसन्न की रचना और स्वर है बहन रेणु का। जब कोई गलती कर बैठता है तो उसका दोष वो दूसरों पर डालने की कोशिश करता है, परंतु असली दोषी कौन है इसे पहचानना बहुत जरूरी है। आज का नाटक भी कुछ इन्हीं विचारों पर आधारित है, जिसका शीर्षक है दोषी कौन। हमारी नाटिका का आरंभ हो रहा है पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति के पहले अध्याय से। जब परमेश्वर ने समस्त सृष्टि के निर्माण के बाद आदम और हवा को रचकर आदम
की सुंदर और आनंद से भरपूर वाटिका में रखा। कितना सुखी था आदम वहां, जरा आप भी सुनिए। नहीं हवा नहीं, मत डालिए जल, मैं भीग जाऊंगा। डालूंगी, खूब डालूंगी ये जल, महानद का ये निर्मल जल इसीलिए तो बनाया है परमेश्वर। अच्छा, इसलिए बनाया तो रुक जा, मैं अभी आता हूँ। रुक हवा रुक, अब जाते कहाँ है, मैं अभी आता हूँ। भाग गई पगली कहीं की, रुक मैं अभी पकड़ता हूँ तुझे। हवा हवा कहाँ है तू? आदम आदम मैं यहाँ हूँ आदम, मुझे पकड़ो तो जानू। अच्छा ठीक है, अभी पकड़ता हूँ तुझे, अभी पकड़ता हूँ। अरे कहाँ गई? ओ लगता है उस गुलमलता के पीछे बैठ गई है जाकर के, अभी देखता हूँ तुझे। हवा हवा, अरे यहां भी नहीं है। एक कोयल, अब बताना कहां है हवा। लगता है उस बोराए हुए आम्रकुंज के पीछे बैठ गई है पगली। अभी पकड़ता हूं तुझे, अभी देखता हूं। अरे यहां भी नहीं है। एक और रैया, अब बताना कहां छुपी है हवा। अच्छा लगता है उस हरित और रस भरी दाखलता के पीछे जा छुपी है, अभी आकर देखता हूं, अभी आता हूं। हवा 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 हवा, अरे ये तो यहां भी नहीं है। अरे ये आवाज तो उधर से आ रही है, चलकर देखता हूं अभी। हवा, अरे अरे तू जीवन के वृक्ष के पीछे छिपी है। हाँ। तभी तो तू मिल गई मुझे। क्यों? इस जीवन वृक्ष के नजदीक सचमुच जीवन मिल जाता है। अच्छा कहाँ है जीवन आदम? ये है मेरा जीवन। मैं तुम्हारा जीवन हूँ? हाँ मेरा जीवन है तू, मेरे जीवन साथी है तू। सच? हाँ हवा, मेरे पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि के पशु पक्षियों को मेरे सामने रख दिया, मेरे पिता परमेश्वर ने संपूर्ण प्रकृति को मेरे सामने रख दिया, लेकिन लेकिन मैं बहल ना सका, तभी तो तेरा निर्माण हुआ। और देख आज मैं तुझको पाकर कितना खुश हूँ। आदम कभी तुमने मुझसे भी पूछा? मैं जानता हूँ हवा, हम दोनों ही इस वाटिका में कितने खुश हैं। यहाँ चारों ओर आनंद ही आनंद व्याप्त है, यहाँ का सूर्य एक नया दिन लेकर उगता है, यहाँ की रात एक अनोखा चैन लेकर आती है, यहाँ का वसंत चिरबहार और सावन अनोखी फुहार लेकर आता है ना? हाँ, लेकिन आदम क्या है? अब भूख लगाई है तो चलो रस भरे अंगूर खाते हैं। नहीं आदम। तो मधु से मीठे आम? नहीं आदम। तो मिश्री से मधुर अंजीर खा लो। नहीं आदम, इनको तो हम रोज खाते हैं। फिर क्या खाओगी आज? आज मैं वो वाले वृक्ष का फल खाऊंगी, कितना सुंदर, कितना मन को मोहने वाला है वो फल। कौन से वृक्ष का फल? वो वाले वृक्ष का, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल। हाँ वही। वाह पागल हो गई है तू? क्यों? पिता परमेश्वर ने हमें इस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना कर रखा है, जानती हो क्यों? क्यों? उन्होंने कहा है कि जिस दिन भी हम इसे खाएंगे उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। मतलब? मतलब हम दोनों मर जाएंगे। ये मरना क्या होता है आदम? ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ हवा, लेकिन होगी कोई आश्चर्य की बात। तब तो आदम जरूर हम उस आश्चर्यजनक बात को मालूम करेंगे। नहीं हवा नहीं, ऐसा कभी मत सोचना, परमेश्वर ने तुम्हें इतने फल दिए हैं, क्या कम है ये तुम्हारे लिए? कम तो नहीं है आदम, लेकिन इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष पर लगे उस फल की तो बात ही और है। आखिर ऐसी कौन सी बात है इसमें जो तुम्हें और वृक्ष के फलों में नहीं दिखाई दी? आदम सबसे पहले तो इसको देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है, सोचती हूँ खाने के बाद कितना स्वाद मिलेगा मेरे मुंह को। दूसरा इस फल का रंग मेरे हृदय को भा गया है, मेरे मन में समा गया है।
और अंत में सोचती हूँ इतने सुंदर और ताजे फल को खाकर तो हमारी बुद्धि और ज्ञान बहुत बढ़ जाएंगे। ये तो सिर्फ तुम्हारी कल्पना ही है। कल्पना ही क्यों, सच भी तो हो सकता है आदम। मान लो सच भी है, लेकिन फिर भी हम नहीं खा सकते हैं इस फल को। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। पिता परमेश्वर ने हमें सिर्फ आज्ञा ही तो दी है ना, लेकिन उस आज्ञा को मानना ना मानना तो हमारी इच्छा पर है। क्या करना है क्या नहीं, इस बात का चुनाव तो हमारे ही हाथ में है। नहीं, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आदम, हम रोज करते हैं ऐसा। कैसे? आदम, परमेश्वर ने हमें अदन की वाटिका के जिन फलों को खाने की आज्ञा दी है, उनमें से कौन से फल हम खाएंगे ये तो हम अपनी इच्छा के मुताबिक तय करते हैं। परमेश्वर तो नहीं आता हमारे बीच तय करने। हाँ, वो तो ठीक है। तब बस जिन फलों को खाने के लिए मना किया गया है, उन फलों को भी खाएं या ना खाएं, ये तो हमारे हाथ में है। परमेश्वर कौन हमें देखने के लिए आ रहा है, क्यों ना हम चुपके से उस फल को खा लें। नहीं हवा, नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर वही आदम। आदम, आदम। लो, पिता परमेश्वर भी आ गए हम लोगों को मिलने के लिए। आदम, आदम। ओह, कितना प्यार करते हैं वो हमसे, कितना ध्यान रखते हैं वो हमारा। चल हवा चल। अभी आया, जरा ये फल तोड़ रहा हूँ। अच्छा, कितना सुंदर वातावरण है ये। हवा? अरे आदम तो यहाँ नहीं है, फिर कौन पुकार रहा है मुझे? हवा इधर देख, मैं पीछे। अरे ये तो सर्प है। आहा, कितना सुंदर लग रहा है ये। हवा, आदम कहाँ है? फल लेने गए हैं मेरे लिए। हवा, मैं कब से पुकार रहा हूँ लेकिन तुमने सुना ही नहीं। क्षमा करना, वो सर्प, मेरा ध्यान किसी और तरफ गया हुआ था। मैं जानता हूँ तेरा ध्यान किस तरफ लगा हुआ था। तू क्या जानता है? मैं सब जानता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो बता किस तरफ था मेरा ध्यान। अगर मैंने बता दिया तो मैं तुझे मान जाऊंगी। मानना ही नहीं बल्कि जो कुछ मैं कहूँगा वो भी तुझे करना होगा। अच्छा, अब बता मेरा ध्यान किस तरफ था। हवा, तू उस फल के खाने के बारे में सोच रही थी ना। किस फल के? वही भले और बुरे के ज्ञान के फल के विषय। अरे हाँ सर, तूने तो मेरे मन की बात बता दी। तू अवश्य कोई आश्चर्यजनक जीव है। सच, अभी अभी मैं उस फल के बारे में ही सोच रही थी। सोचने से क्या फायदा हुआ, तू उस फल को खा क्यों नहीं लेती? नहीं रे सर, ऐसा मत बोल, हम उस फल को नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आदम ने कहा है जिस दिन हम उस फल को खाएंगे उस दिन हम मर जाएंगे। आदम को ये सब किसने बताया? आदम को हमारे सृजनहार पिता परमेश्वर ने बताया है। बना दिया तुम प्राणियों को भी मूर्ख परमेश्वर ने। मान गए भाई परमेश्वर। ए सर, इसमें अट्टहास कैसा, किसने किसको मूर्ख बनाया? परमेश्वर ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। मूर्ख? ये क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओ उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे की पहचान हो जाएगी, और जिस दिन तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा उसी दिन तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। अच्छा? हाँ, लेकिन वो किसी को अपने बराबर नहीं बनने देगा, इसीलिए उसने मृत्यु का भय डालकर तुम लोगों को इस फल से दूर रखने का षड्यंत्र रचा है। अच्छा, लेकिन ओ सर, मैं तेरी बात का विश्वास कैसे करूं? हवा, तू मेरी बात का विश्वास मुझे देखकर कर। तुझे देखकर? हाँ, मैं जिसे तू सर्व समझ रही है, हाँ? मैं सर्व नहीं हूं बल्कि एक समय परमेश्वर के राज्य का सर्वोत्तम और शक्तिशाली स्वर्गदूत था। मैं सर्वगुण संपन्न था, अपने गुणों को देखकर मैंने भी परमेश्वर के बराबर बनने की कोशिश की, बस मेरी इसी बात से रुष्ट होकर उसने मुझे स्वर्ग से इस धरती पर गिरा दिया। इतना ही नहीं, मुझे शैतान के नाम से बदनाम भी कर दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा किया उसने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर से ना बन सका ना सही, लेकिन मैं तुमको उसके बराबर बनाने में तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। आखिर कोई तो ले मेरी जगह, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम और आदम ये फल खा लो और बन जाओ परमेश्वर के बराबर। ओ सर, तू कहता तो ठीक है, लेकिन लेकिन न जाने क्यों मेरा मन परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से डर रहा है। तो फिर ठीक है, घूमते रहो सदा के लिए नन्ही सी वाटिका की परिधि में,
तरसते रहो जीवन भर इस फल के लिए। हवा, मुझे तुमसे जो कहना था वो कह दिया, बाकी अब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। चाहो तो फल खाकर सर्वशक्तिमान बन जाओ, और चाहो तो जीवन भर इस फल को खाने की तृष्णा लिए भ्रमण करते रहो इस संकुचित सी वाटिका में। अच्छा अब मैं चलता हूं, लेकिन मेरी बातें याद रखना। अरे ये तो देखते ही देखते लुप्त हो गया, ये कैसा आश्चर्यजनक जीव है, इसकी बातों में कैसा अनोखा आकर्षण है, सत्य है। इतना बताने के बाद भी इसने अपनी बात मानने के लिए दबाव ही नहीं डाला, बल्कि सब मेरी इच्छा पर छोड़ दिया। तो ठीक है, अब मैं अपनी इच्छा से इस फल को खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। आहा, कितना मन भावना, कितना सुंदर है ये फल, खाने में तो और भी मीठा लगेगा। आज मैं इसे जरूर खाकर रहूंगी और आदम को भी खिलाऊंगी। आज से हम केवल आदम और हवा नहीं, बल्कि आज से परमेश्वर के समान होंगे, सर्वशक्तिमान अस्तित्व धारक, एक आश्चर्य होंगे और होंगे एक अपराजेय शक्ति। आदम, आदम, तुम कहाँ हो आदम? मैं यहाँ हूँ हवा। आदम, मैं अभी आती हूँ आदम। क्या बात है, ये हवा आज इतनी आतुर क्यों हो रही है मुझसे मिलने को? आदम। हवा, क्या बात है, तुम मेरे पास क्यों चली आई? मैं तो खुद ही फल लेकर आने वाला था। आदम, छोड़ो इन फलों को, आज तो मैं खुद तुम्हारे लिए एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जिसको देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। अच्छा, देखूं तो कौन सा है ऐसा फल? तुम देखना चाहते हो, ये लो। हवा, ये फल तो उसी भले बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष का लगता है। हाँ। तो क्या तुझे मालूम नहीं कि इसको खाने से हमारी मृत्यु हो जाएगी? यही तो तुम नहीं जानते आदम, तुम्हें नहीं मालूम, परमेश्वर ने हम दोनों को मूर्ख बनाया है, ये उसका एक षड्यंत्र है। हवा, क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ आदम, तुम्हें नहीं मालूम, इस फल को खाकर हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमें भली बुरी बातों का ज्ञान हो जाएगा। है? इतना ही नहीं आदम, इस फल को खाकर हम एकदम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञानी। हवा, ये तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो आज? आदम, मैं जो कुछ बातें कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर ये बातें ठीक हैं, तो मुझे क्यों नहीं मालूम, तुझे कैसे मालूम? क्योंकि इस रहस्य को बताने वाले जीव के सामने तुम नहीं थे, मैं थी। मैं कौन था? वो प्राणी, क्या बताया उसने? आदम, वो प्राणी एक बहुत सुंदर आश्चर्यजनक सर्प था, वो अपने आप को श्रापित दूत बता रहा था। अच्छा? हाँ, उसी ने बताया है इस फल को खाकर हमारी आंखें खुल जाएंगी, हमें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। आदम, उसकी बात का मर्म समझकर मैंने फैसला किया है, आज हम इस फल को जरूर खाएंगे। हवा, डरो मत आदम। हवा, हाँ आदम, इसको खाकर तुम और मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। चलो इसे खाएं, भलाई बुराई का भेद जानने के लिए, अज्ञानता की आंखें खोलने के लिए, परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए। नहीं हवा, नहीं। ठीक है आदम, मुझे जो कुछ बताना था मैंने तुम्हें बता दिया, अब इसे खाना और नहीं खाना तुम्हारी इच्छा पर है। इसको खाकर अगर मैं बदल गई और किसी अन्य रूप में परिवर्तित हो गई और तुम नहीं बदल सके, तो इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहना। नहीं हवा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हारी बातों से मेरी इच्छा भी जागृत हो गई है, आओ चलो इसे खाएं। सच? हाँ हवा। तो ये लो। लाओ, अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी अंतर्दृष्टि खोलने के लिए और परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए, आओ इसे खाएं। आदम। हवा। आदम, ये क्या हो रहा है आदम? हम बदल रहे हैं हवा। हाँ आदम, आदम। हवा। आदम, हम निर्वस्त्र हैं आदम। हाँ हवा, मैं भी निर्वस्त्र हूँ। मुझे अपने को और तुम्हें देखकर लज्जा आ रही है आदम। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है हवा। अरे हाँ, अब तो परमेश्वर के आने का समय भी हो रहा है, अब क्या होगा?
अगर उन्होंने ऐसी दशा में हमें देख लिया तब क्या होगा? इस तरह हम उन्हें अपना मुख कैसे दिखाएंगे? फिर क्या करें? चलो आदम, उस अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपना तन ढक ले। ठीक कहा वा तूने, चल अभी चल। तन ढकने के बाद हम किसी वृक्ष के पीछे छुप जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक परमेश्वर के आने का समय भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा ही करें। आदम, आदम। हव्वा, परमेश्वर पिता आ गए हैं। ठीक है, हम इसी तरह वृक्ष के पीछे छुपे रहते हैं। अगर परमेश्वर ने कुछ पूछा तो तुम यहीं से बातें करना। अच्छा। आदम, आदम, तू कहाँ है? पिता परमेश्वर, हम यहां हैं, इस वृक्ष के पीछे। वृक्ष के पीछे? क्यों? वृक्ष के पीछे क्यों छिपा है? क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं। निर्वस्त्र? ये तुझे कैसे मालूम? कहीं तूने उस वृक्ष का फल तो नहीं खाया जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था? हाँ पिता, हमने वही फल खाया है। क्यों? जिस स्त्री को आपने मेरे लिए रचा था, जिसका नाम हव्वा है, उसने इस फल को खाने के लिए कहा, इसलिए मैंने यह फल खाया। हव्वा, क्या यह सच है? तूने भी फल खाया? नहीं, मुझे तो एक सर्प ने आकर कहा था, मैंने इसीलिए इसे खाया। ओह, आदम और हव्वा, तुम दोनों ने मेरी आज्ञा तोड़ी, इसलिए मैं तुम दोनों को इस अदन की वाटिका से निकालता हूं। आदम, तू सुन, तेरे कारण धरती शापित होगी। धरती तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। तू उसकी फसल को जीवन भर पसीना बहाकर खाया करेगा और इस तरह जीवन भर कष्ट और दुख सहते अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हवा, मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि आप गर्भवती होने से तेरा दुख बढ़ जाएगा और अब तू पीड़ित होकर बच्चे को जन्म देगी। तेरी लालसा अपने पति पर होगी और तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। आदम, क्या हुआ आदम? कांटा, मेरे पांव में कांटा चुभ गया। ओह, लगता है ये सारी धरती ही ऊंट कटारे उगाने लगी है। सुबह से इस धरती को खोदते खोदते बदन चकनाचूर हो गया, सारा तन पसीने से भीग गया है। सोचा था जरा देर इस वृक्ष के नीचे आराम करूंगा, लेकिन ये वृक्ष भी ऊंट कटारे का वृक्ष निकला। रुको आदम, रुको, मैं अभी निकाल देती हूँ इसे। हाथ मत लगा हवा मुझे, मुझे तेरी सूरत से नफरत है। ना तू होती ना मैं वो फल खाता। चुप करो आदम, मैं रोज रोज ये ताना सुनते सुनते थक गई हूँ। फल तुमने खुद अपनी मर्जी से खाया और दोष मुझे देते हो। अच्छा, तो फल मैंने अपनी मर्जी से खाया? तो क्या मैंने जबरदस्ती तुम्हें खिलाया था? जबरदस्ती नहीं खिलाया, तो मेरे सामने तो तुम ही लाई। ना तुम उसे मेरे सामने लाती और ना मैं उसको खाता। तो मैं क्या करती उसके लिए? मुझे भी तो उस दुष्ट सर्प ने बहकाया, तभी तो परमेश्वर ने उसका नाम शैतान दिया है, दुष्ट कहीं का। क्यों दोष देती हवा मुझे? मैंने तो सिर्फ तेरे सामने फल की तारीफ की थी, उसको खाने ना खाने का निर्णय तो तुझ पर ही छोड़ दिया था। कौन? अरे शैतान, तू? ओह, फिर आ गया यहाँ पर। हाँ, मैं फिर आ गया यहाँ पर। क्यों? ये सच्चाई बताने
कि तुम मुझे जबरदस्ती ये दोष दे रही हो। तो क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं फल खाऊं? कहा था लेकिन याद करो, अंत में मैंने ये भी कहा था कि मैंने तो सब कुछ बता दिया, अब खाना ना खाना तुम्हारी इच्छा की बात है। कहा था ना? हाँ कहा था। फिर क्यों खाया तुमने? परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए या अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो। चला जा दुष्ट यहां से, मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा, सच्चाई कही तो क्रोध आ गया। दूसरों की तरफ उंगली उठाकर दोष देना तो आसान है, अपनी तरफ उंगली उठाकर देखो तो जानो। अरे दुष्ट, माना मैंने, ये सब कुछ अपनी ही इच्छा से किया, लेकिन तूने क्यों यह कहकर झूठ बोला था कि उस फल को खाकर हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे? उस फल को खाकर हम बस, मैं समझ गया। जिसे तुम झूठ समझती हो वो मेरा कर्तव्य है। झूठ बोलना तेरा कर्तव्य है? हाँ, जो बात परमेश्वर बताना चाहता है ठीक उसका उल्टा बताना या करवाना मेरा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा बैरी है, उसके काम में बाधा डालना मेरा कर्तव्य है। परमेश्वर तुमको अदन की वाटिका में सब प्रकार से सुखी रखना चाहता था। तुम मानव लोग परमेश्वर की बहुत सुंदर सृष्टि हो, बहुत प्यार करता है वो तुमको, इसीलिए तो अदन की वाटिका का निर्माण कर वो तुम्हें बड़े आराम से रखना चाहता था। लेकिन मैं तुम्हें वहां से निकाल कर नष्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला। पर अफसोस कि तुम बच गए। परमेश्वर ने अपने प्यार के कारण तुम्हें मारा नहीं बल्कि शापित करके छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम नष्ट नहीं हो जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। शैतान के बच्चे, मैं तेरा सर कुचल दूंगा। आदम, जब तू अपने पैर का कांटा नहीं निकाल सकता तो मेरा सर क्या कुचलेगा? सर तो मैं तुम्हारा कुचलूंगा, इसी तरह झूठ से, फरेब से, धोखे से और भ्रम से। हैं? सुना हवा, क्या कह रहा है ये दुष्ट? घबराओ मत आदम, मैं बार बार तुम्हें पतन की ओर ले जाऊंगा लेकिन उसमें गिरने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। गिरने या ना गिरने का फैसला तुम्हारी इच्छा पर है, ये अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जीवन के कर्मों के बारे में अंतिम निर्णय तुम्हें ही करना होगा, सिर्फ तुम्हें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, इसलिए मेरे रास्ते में आने या परमेश्वर के रास्ते में जाने का निर्णय तुम्हें करना होगा, सिर्फ तुम्हें और किसी को नहीं। अच्छा, अब मैं जाता हूं। सावधान रहना, मैं फिर आऊंगा तुम्हें भरमाने, बुरे कार्य करवाने। सावधानी से करना अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग। अगर हार गए तो मुझे दोष मत देना। हमेशा याद रखना, विनाश ही मेरा धर्म है। देखा आपने कि जब तक आप स्वयं कुछ करने के लिए सहमत ना हो तब तक शैतान आपसे कुछ भी नहीं करवा सकता। पवित्र बाइबल का वचन है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। याद रखें, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसमें बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु यीशु को पहन लिया है, ऐसा बाइबल हमें सिखाती है। जब आपने प्रभु यीशु को पहन लिया तो फिर शैतान की कोई चाल आपको विचलित नहीं कर सकती। इन्हीं विचारों के साथ आज का सफर यही रोक देते हैं। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने विचारों से हमें जरूर अवगत करवाएं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 931-947-3370, और हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। यदि आप मसीह वंदना का कोई गीत या संदेश या नाटक सुनना चाहें तो इसके लिए आप हमारे स्टूडियो के फोन पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के द्वारा। हमारा फोन नंबर है 9780271147-7071-7174-7114। और अब अपने रेडियो व मीडिया साथी अनिल धालीवाल को इजाजत दे, फिर मिलेंगे। नमस्कार। हेलो हेलो मसीही वंदना।